और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी की गई है। सीडब्ल्यूसी में खड़गे, सोनिया, राहुल समेत 39 नाम शामिल है। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट, शशि थरूर को भी जगह मिली है। G23 गुट के आनंद शर्मा का नाम भी सीडब्ल्यूसी के इस लिस्ट में शामिल है। इनके अलावा जयराम रमेश हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जिन्हें सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 39 नाम शामिल किए गए हैं। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा सचिन पायलट, शशि थरूर, ये तमाम वो नाम हैं जिनको सीडब्ल्यूसी की लिस्ट में शामिल किया गया है। मेरे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जानना चाहेंगे सीडब्ल्यूसी की जो ये लिस्ट जारी की गई है, इसको अगर 2024 चुनाव से जोड़े तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, इस लिस्ट की प्रतीक्षा काफी समय से हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से ही कहा जा रहा था कि पहली जो सर्वोच्च हाईएस्ट बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका गठन अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हो गया है। इसमें 39 नाम है और परमानेंट इन्वाइटीज भी काफी ज्यादा है, यानी कि लंबी चौड़ी सूची एक जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रियंका गांधी को भी सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया गया है। और साथ ही साथ जो परमानेंट इन्वाइटीज हैं वो करीब 18 हैं, और जितने भी इंचार्जेज हैं स्टेट्स के उनको भी जगह मिली है, यानी कि राजीव शुक्ला भी उसको भी जगह मिली है। साथ ही साथ जो स्टेट इंचार्ज हैं उनको भी जगह मिली है, यानी कि कहा जा सकता है कि एक बड़ी सूची जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। ठीक है रमन, बहुत ही चिंतन मंथन के बाद अब सीडब्ल्यूसी की लिस्ट जारी कर दी गई है, 39 नामों को इसमें जगह दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज 24।